कांग्रेसी नेताओं के पार्टी छोड़ने के सिलसिले को देखते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब अहम कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें, पार्टी ने नाराज नेताओं को मनाने के लिए संवाद और संपर्क समिति का गठन किया है। यह समिति प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर रूठे नेताओं को मनाएगी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता इनके घर पहुंचकर इनसे चर्चा भी करेंगे। और इस बीच प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट भी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, पायलट भी समिति के सदस्यों से चर्चा कर उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बताया है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। अब डैमेज कंट्रोल के लिए 4 दिन पहले 8 अप्रैल को समिति का गठन किया गया, ताकि नेताओं से बातचीत कर उनकी पार्टी में रोक कर उन्हें रखा जा सके। वहीं समिति में 2 पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और 6 पूर्व मंत्री और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष समेत पार्टी के सीनियर नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं पार्टी ने समिति के सदस्यों को लोकसभा वार जिम्मेदारी सौंपी है। अब सभी जिम्मेदारियों में नेताओं को अपने क्षेत्र में तैनात रहने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं आपको बताएं, समिति में शामिल एक सदस्य ने एक न्यूज से बात करते हुए बताया कि कमेटी के गठन होने के 2 दिन ही सभी नेताओं की एक बैठक हुई। इसमें आगामी रणनीति की तैयारी की गई और वहीं समिति प्रदेश में संवाद और संपर्क का काम जारी रखेगी। इस समिति के माध्यम से पार्टी के नाराज नेताओं से संपर्क कर पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने का भी काम करेगी। सूची में सभी सीनियर नेताओं को जगह दी गई है, ताकि ये नेता पुराने से लेकर नए सभी कार्यकर्ताओं की बात सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। वहीं समिति के कुछ सदस्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट से भी मुलाकात करेंगे। बीते 3 दिन में जिन नाराज नेताओं से चर्चा हुई है, इसकी जानकारी उन्हें देंगे। वहीं समिति संयोजक धनेंद्र साहू ने बताया कि यहां पर कई बार लोग स्थानीय मुद्दों को लेकर नाराज रहते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थिति की जानकारी लेकर भी हम उनसे बात कर सके, इसके लिए समिति का गठन किया गया है। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी 13 अप्रैल को बस्तर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं राहुल जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा करते हुए नजर आए और दूसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में प्रियंका गांधी की सभाएं तय हो रही हैं। वहीं संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो 20 अप्रैल को प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा हो सकता है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 संसदीय क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं का प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है। इनमें जांजगीर और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्रों में स्थानीय समीकरणों के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा कराने पर जोर दिया गया है।